सबसे पहले आपने दावा की वेबसाइट से स्मार्ट पीएसएस को डाउनलोड करना है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक विंडो एप्लीकेशंस के लिए और एक मैक ओएस के लिए। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप विंडो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। दिखाता हूँ, जब आप सॉफ्टवेयर रन करोगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि आपने इसका क्या पासवर्ड रखना है, तो पहले आपने वो इंटर करना है। तो मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुका हूँ, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्मार्ट पीएसएस का यहां पर आपको ऊपर डिवाइसेस और न्यू की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ये सारे आइकॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अभी वापस डिवाइस पे जाएंगे। यहां पर हम ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और डिवाइस नेम देंगे, और इसको एज ए सीरियल नंबर, नॉट नेटवर्क और आईपी डिवाइस, इसको एज ए सीरियल नंबर हम ऐड करवाएंगे। यहां पर आपने वो सीरियल नंबर देना है जो आपके डीवीआर का है, जो आप मोबाइल पर ऑनलाइन करते वक्त देते हो और आप के वो आज के थ्रू डीवीआर से स्कैन करते हो, वो सीरियल नंबर यहाँ पर आपने इंटर करना है और अपने डीवीआर का यूज़र नेम, एडमिन या जो भी आपने रखा है वो यूज़र नेम देना है, और उसके बाद उसका पासवर्ड दे देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। जब आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आपने कुछ देर वेट करना है, और यहाँ पर स्टेटस जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन है, लेकिन जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी को वेरीफाई करेगा तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको ये ग्रीन कलर का जो डॉट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके कैमराज जो हैं वो आपके सिस्टम पर ऑनलाइन हो चुके हैं। अब इनको आपने वॉच कैसे करना है, आपने न्यू पर क्लिक करना है और लाइव व्यू के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये DVR आपका शो हो रहा है, तो मैं अभी आपको इसका कैमरा नंबर 2 जो है वो ऑन करके दिखाता हूँ। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, दोस्तों इस तरह आप बहुत आसानी से अपने दावा के DVR और NVR को अपने लैपटॉप या सिस्टम पर ऑनलाइन कर सकते हो और अपने क्लाइंट को भी ये फैसिलिटी दे सकते हो। ये बहुत इजी है और इसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट स्मार्ट PSS को यूज करते हुए डिवाइस को ऐड करवाना है, और उसके बाद आप उसका लाइव व्यू अपने सिस्टम पर ले सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। लाइक के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।